मामला सामने आया जहां एक मजदूर के घर 58 लाख की बिजली का बिल भेज दिया गया है, जबकि मजदूर के घर में सिर्फ 3 बल्ब एक पंखा चल रहा है, वो भी इस मौसम में बंद है। पूरा मामला बस्ती जनपद के दोबौलिया ब्लॉक के चकमा गांव का है, जहां के अंत्योदय कार्ड धारक दीनानाथ का बिजली का बिल करीब 58 लाख रुपए आया है, जहां बिजली विभाग ने अधिक बिल बकाया होने के कारण 6 माह पहले ही घर का कनेक्शन भी काट दिया था। ऐसे में पीड़ित अपने बिजली के बिल को सही करवाने और कनेक्शन जोड़ने के लिए विद्युत विभाग के लगातार चक्कर लगा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारी सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। 58 लाख रुपया है साल भर दौड़ा थी कोनो सुनवाई को होना ही बहुत बा। हेलो, एक पंखा दो बल्ब जल सुबह। कितना दिन पहले आपका कनेक्शन काटे हैं? 1 महीना पहले। तो आप इसके लिए जो है अधिकारियों को सूचना दिए कि नहीं, एप्लीकेशन दिए कि नहीं विद्युत जो है, तो क्या कहे? कहीं सही हो जाए तरह से कोनो सुनवाई होत नहीं बा। कई बार आप गए होंगे दौड़ करके? कम से कम 4-5 दिन गए, 6 रैया गए और डिसेसर गए छावनी पावर हाउस तो बराबर जाए थे। क्या कहते हैं? कहा दिन के बाबर हौसले कहा दिन के विशेषरगंज जाओ, बाबा जब जाए थे तो कहा दिन सही हो जाए, जमा कर दो एप्लीकेशन। क्या नाम है आपका? दीनानाथ। कहाँ घर पड़ेगा? चकमा। क्या क्या घर में जलता है आपके? एक पंखा दो बल्ब सिर्फ। ठीक, इसके बावजूद भी इतना 58 लाख रुपया बिल आ गया। मेरे संज्ञान में आप द्वारा लाया गया है, इसकी जाँच करा के प्राथमिकता पर इसको सही बिल उपलब्ध कराएंगे संबंधित उपभोक्ता को। जो सर वहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उन लोगों का क्या कहना है? उनका कहना है कि इसकी जो मीटर यूनिट है, जो कंजम्पशन आया है पिछले कुछ माह में, वह औसत से कुछ कम लग रहा है, तो इस संबंध में उनको निर्देशित किया है कि जांच करके प्राथमिकता पर सही बिल उपभोक्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये सरकार के द्वारा OTS योजना चलाई जा रही है, और सर इस तरीके से अगर आपके विभाग में बिल की गड़बड़ी रहेगी तो कैसे लोगों को फायदा मिलेगा? नहीं, इसके लिए हम लोग प्राथमिकता पर हर स्तर पर बिल संशोधन सही कराना और उसको बिल सही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।